ठीक है, भूलना नहीं है, वेक्टर्स को बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए. टुडे विल बी द लास्ट क्लास ऑफ वेक्टर्स. टुडे ऑल्सो इन टुडेज क्लास वी विल ऑल्सो बिगिन विद डिफरेंसिएशन. सो इन टुडेज क्लास वी विल अंडरस्टैंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स. में हमने डॉट प्रोडक्ट समझ लिया था, आज हम वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे. हमने डिफरेंसिएशन भी समझ हमने डिफरेंसिएशन हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि होती क्या है, और थोड़ा बहुत डिफरेंसिएशन का मैथमेटिक्स देख लेंगे कि कॉमन फंक्शंस के डेरिवेटिव कितने होते हैं, कौन से होते हैं, और सिंपल रूल्स क्या होते हैं डिफरेंसिएशन के. सो दैट इज द एम फॉर टुडेज क्लास. क्विकली लेट अस रिकैपिटुलेट कि पिछली क्लास में क्या पढ़ा था. ये डॉट प्रोडक्ट क्या बला है मुझे ये बता दो. व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट? मैम, जब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जब हमारा रिजल्टेंट स्केलर आता है उसको मैम हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो कि दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बीच में डॉट लगा के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं. और हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए और दूसरा कोई वेक्टर है बी, और दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज इक्वल टू थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी बेटा? मैम, ए इंटू कॉस बी थीटा. कॉस ए थीटा। इंटू बी इंटू वेरी कॉस थीटा. गुड, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे ए और बी जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड है. कॉस थीटा है कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम. ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कि अगर हमारे पास वेक्टर जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो तब हम ए डॉट बी की वैल्यू कैसे लिखते हैं. तब हमने देखा था कि आई कैप जे कैप और के कैप को हम साथ में डॉट कर सकते हैं. सो वी राइट द वैल्यू एज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड. यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? नो मैम। पक्का कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है? चलो आगे. यस मैम. यस मैम, वेरी गुड. सो नाउ वी कम टू वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. तो सबसे पहले वेक्टर प्रोडक्ट में होता क्या है मुझे ये बता दो. मैम, जब हम किन्हीं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस सिंबल के साथ, तो जो हमारा फाइनल रिजल्टेंट आता है वो भी एक वेक्टर, नया वेक्टर आता है, और उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी हमें मिलती है। नहीं वेरी गुड, सब बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा. तो हमने यही तो पढ़ा था कि यार दो तरीके हैं मल्टीप्लाई करने के. एक तरीके में क्या होता है कि जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तब आपके पास एक आंसर स्केलर आ रहा है. और वेक्टर प्रोडक्ट के केस में क्या होता है कि अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना वेक्टर्स की, तब आपके पास जो क्वांटिटी आ रही है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना. तो यहाँ पे हम वेक्टर प्रोडक्ट कंसिडर कर रहे हैं. वेक्टर प्रोडक्ट हमारे मेजर यूज में आएगा जब हम रोटेशन वाला जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे. ठीक है, रोटेशन वाला चैप्टर हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, और उसके अंदर जब हम टॉर्क के बारे में बात करेंगे, एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे, इन सब केसेस में हमें वेक्टर प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी. तो वेक्टर प्रोडक्ट भी बहुत इजिली आप बता सकते हो, बहुत इजिली उसके मैग्नीट्यूड को डिटर्मिन कर सकते हो. ठीक है, सपोज आपके पास जैसे ये डायग्राम में आप देख सकते हो, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है मेरे पास. ठीक है, इफ आई एम हैविंग वन वेक्टर एज ए अनदर वेक्टर एज बी, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखना सबसे पहले बहुत सही है, बहुत ईजी है हमारे लिए. मैग्नीट्यूड में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड इसका इक्वल होता है ए बी साइन थीटा का. ठीक है, वहां पे कॉस थीटा था, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास? साइन थीटा। बस दैट इज दी ओनली, बस यही डिफरेंस है हमारे पास कि वहां पे हमारे पास कॉस थीटा था, यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा आ रहा है. ठीक है, तो ये डिफरेंस तो ईजी है, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नो मैम. हाँ बेटा. मैम, जो आपने ग्रुप में असाइनमेंट भेजा था आप उसके सॉल्यूशंस भी भेज दीजिए ताकि हम अपने आंसर चेक कर ले. ठीक है बच्चा, मैं एक बार उसके सॉल्यूशंस भी देख के भेजती हूँ, वरना कोई ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो उसका आप मुझे बता दो, मैं आपको बता दूंगी कि उसका मतलब है क्या, उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है क्या. ओके मैम. ठीक है, बाकी मैं सॉल्यूशंस भी देख के भेजती हूँ, मुझे मिलते हैं तो मैं आपको सॉल्यूशंस भेज दूंगी. सिंपल सिंपल है ऐसे वो क्वेश्चंस, है ना, कोई क्वेश्चन में दिक्कत यस थोड़ी मैम. है. मैम ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो होगी अच्छा तो. कोई दिक्कत नहीं है बच्चा. अब आ जाओ, इसके मैग्नीट्यूड तो हमें समझ में आ गया, ए बी साइन थीटा से गिवन है. डायरेक्शन इसकी हम देते हैं राइट हैंड थंब रूल से, आर आई जी एच टी, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से. ठीक है, तो डायरेक्शन के बारे में अब हम समझते हैं. मैग्नीट्यूड सबको समझ में आ गया कि हाँ मैम, ए बी साइन थीटा से मैग्नीट्यूड लिख देंगे. ठीक यस मैम। है, अब बेटा डायरेक्शन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता है, जैसा आप डायग्राम में भी देख सकते हो, दो वेक्टर्स जो होंगे वो हमेशा एक सेम प्लेन में लाई करेंगे, है ना. सब बच्चे इससे अग्री कर रहे हैं. यस मैम। यस मैम। जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा जिस प्लेन में दोनों वेक्टर्स लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होएगी. मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एज वेल.
जो ये सी वेक्टर हमारे पास आएगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ ए एंड बी. सो लेट मी राइट दिस पॉइंट डाउन, यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन, दैट डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. Direction of cross product is always perpendicular to the plane consisting of vectors a and b. ठीक है, जिस plane में vector a और b है, हमेशा जो ये आपका cross product होगा उसकी direction उससे perpendicular ही होगी. अब अगर मैंने पिछले केस में तो magnitude लिख दिया, अगर मैं इसको direction के साथ लिखती हूँ तो a cross b की हम value लिख सकते हैं कुछ a b साइन थीटा, और इसके आगे मैं लिख देती हूँ ये एन कैप. और ये एन कैप हमें कैसे पता चलेगा? राइट हैंड थंब रूल से. ये थंब रूल वगैरह का नाम सुना है कभी? यस मैम, यस मैम, 10th में. मैम 10th में वो मैग्नेटिक फील्ड के टाइम पे सुना था ना? यस मैम, है ना. तो क्या करते हैं उसमें मैम, जिस डायरेक्शन में करंट होता है उस डायरेक्शन में हम थंब अलाइन कर लेते हैं, और जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स कर्ल होती है मैम, उस डायरेक्शन में उसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. बिल्कुल सही, यहाँ पे हमें उल्टा करना है. ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जैसे आपके ये ए और बी वेक्टर्स हैं, इनको मैंने टेल से टेल मिलाकर ज्वाइन कर दिया है. अब सब लोग अपने राइट हैंड को रेडी रखो, राइट हैंड को ए के अलोंग ओरियंट कर लो. ठीक है, जैसे ये ए वेक्टर है ना आपका, ए के अलोंग इसको प्लेस कर लो कि ये ए के अलोंग मैंने प्लेस कर लिया. अगर मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगी वेक्टर बी के अलोंग, तो जो मेरा थंब है दैट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. समझ में आई ये चीज? तो इसके स्टेप्स क्या है, यू हैव टू फर्स्ट प्लेस योर वेक्टर्स विद टेल्स कोइंसाइडिंग. कि आपको ऐसे अपने वेक्टर्स प्लेस करने हैं कि उनकी जो टेल्स हैं वो कोइंसाइड कर रही हो. अब उसके आगे आपको क्या करना है कि ये जो आपका स्ट्रेच पाम है, यू हैव टू प्लेस योर स्ट्रेच्ड पाम Place your stretched palm such that fingers are along vector A. जो आपकी finger है वो vector A के, मतलब vector A नहीं, जो भी पहला vector है जो आप cross product में ले रहे हो उसके along है. Fingers are along vector A and when they are closed, मतलब जब आप उसको curl करते हो इस तरीके से, उसका ये बनाते हो fist, and when they are closed, मैम screen stuck. अच्छा, screen stuck हो रही है क्या? अभी visible है बेटा? Yes ma'am. When the fingers are closed, they go towards the second vector, which is vector B. They go towards vector B. तो तब बेटा अब जो आपका थंब होगा, दैट थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. थंब गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. ये रूल समझ में आया? यस मैम. यस मैम, इट मींस कि जैसे अगर हमारा वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो जो हमारी डायरेक्शन होगी वो जेड जेड प्लेन के अलोंग होगी. बिल्कुल सही बोल रहे हो. अगर आपका एक्स वाई प्लेन में, तो जेड प्लेन, जेड के तरफ डायरेक्शन होनी चाहिए कहीं पे भी, पॉजिटिव नेगेटिव वो हम देख लेंगे, है ना. अगर आपका जेड वाई प्लेन में है तो एक्स की तरफ डायरेक्शन होगी, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी. अगर मेरा वेक्टर सपोज ये दिख रही है मेरी वीडियो में, ये कॉपी ले ली है मैंने सुंदर सी, ये मेरे कॉलेज से मिली थी मुझे, आई गॉट दिस इन वन ऑफ आवर एलुमिनाई मीट्स. ऐसे डायरी वगैरह मिलती है देखो कॉलेज से भी. तो जैसे अब ऐसा मैं कोई प्लेन ले लूं, ठीक है, ये तो मैंने कोई भी रैंडम प्लेन ले लिया, तो जो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो या तो फिर ऐसे होएगा, दिख रहा है ये मेरा पेन? Yes, ma'am. है ना, या तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे होगा या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ये उल्टी साइड पे परपेंडिकुलर होगा. हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा चाहे कोई भी प्लेन ले लूं मैं, किसी भी तरीके से कैसा भी प्लेन ले लूं, हमेशा आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन विच इज कंसिस्टिंग ऑफ ए एंड बी. और उसकी डायरेक्शन आप कैसे बताओगे? राइट हैंड थंब रूल से. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बताओ, तो वो कैसे बताओगे? हाँ बच्चा शिवम, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, इसको स्क्रू रूल भी कहते हैं. उसको अलग तरीके से इमेजिन करते हैं कि स्क्रू किस डायरेक्शन में निकल रहा है. अगर आप इसको ऐसे घुमा रहे हो तो स्क्रू ऊपर जा रहा है, ऐसे घुमा रहे हो तो स्क्रू नीचे जा रहा है, वो इस तरीके से डिपेंड करता है, बट उससे इजी ये वाला रूल रहता है. ठीक है, अगर मैं आपसे बी क्रॉस ए पूछूं तो कैसे करेंगे?
अब हम ऐसे अगर रखेंगे तो मेरी फिंगर्स कर्ल नहीं हो रही ए की तरफ, तो अब मुझे फिंगर्स ऐसे रखनी पड़ेंगी बी के अलोंग ताकि वो ए की तरफ कर्ल हो जाए। तो देख रहे हो कि मेरा जो वेक्टर है वो नीचे की डायरेक्शन में आ गया। कैन यू गाइस सी दिस? यस मैम। ओके मैम, तो अब मुझे ये बताओ कि ये वाला जो वेक्टर है जो नीचे की डायरेक्शन में आया बी क्रॉस ए वेक्टर है ये, और ऊपर के डायरेक्शन में जो आ रहा था वो ए क्रॉस बी वेक्टर है, ठीक है? तो मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है इस केस में, जब मैं बी क्रॉस ए कर रही हूँ तो डायरेक्शन मेरी ऑपोजिट हो गई है। तो विल बी क्रॉस ए बी इक्वल टू ए क्रॉस बी? नो मैम, नो इट विल नॉट बी इक्वल। ये जो दोनों होते हैं ये मतलब एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इसकी वेक्टर वाले की यही है, वेक्टर प्रोडक्ट की, कि इट इज नॉन कॉम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट हमारा कॉम्यूटेटिव था ना, ये आपका कॉम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है? दोनों वेक्टर्स हैं तो यार दोनों की डायरेक्शन अलग हो जाएंगी। मैग्नीट्यूड इज द सेम इन बोथ द केसेस, मैग्नीट्यूड इन द सेम, दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड, दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं है, बट दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट। अच्छा स्क्रीन पॉज हो गई, बताओ मैंने इतना लंबा पॉइंट लिख दिया और स्क्रीन पॉज हो गई है यहाँ पर। अब आ गया? यस मैम अब आ गया। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ए क्रॉस बी जो होता है इट इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई तो वो दोनों नेगेटिव वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये चीज समझ में आई? इज दिस क्लियर गाइस? थोड़ा बहुत वेक्टर प्रोडक्ट समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अभी हमने उसका मैग्नीट्यूड समझ लिया कि ए बी साइन थीटा होता है, डायरेक्शन हमने समझ ली कि उसको हम थंब रूल से देते हैं। और क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा जैसे वो डिस्ट्रीब्यूट? डायरेक्शन रिपीट कर दो। क्या बेटा? मैम डायरेक्शन, डायरेक्शन रिपीट कर दूं? यस मैम। चलो सब लोग अपना हाथ तैयार रखो, राइट हैंड, जिस बच्चे का डाउट है वो भी अपना राइट हैंड तैयार रखे। ये डायग्राम में ए वेक्टर दिख रहा है बेटा, है ना? ए वेक्टर जैसा समझ लो, ये ए वेक्टर जो है वो आपकी कॉपी में बना हुआ है, ठीक है? उस ए वेक्टर को कॉपी में बनाओ और ए वेक्टर के अलोंग अपना हाथ को ऐसे रख लो स्ट्रेच करके पाम को। इसको जब B की तरफ आप कर्ल कर रहे हो, थंब आपका ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, है ना? तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हो गई अपवर्ड्स। अगर मैं B क्रॉस A निकालूं इस सिचुएशन में, तो B को ऐसे करके A की तरफ जब मैं कर्ल कर रही हूं, तो देख रहे हो थंब नीचे आ गया, है ना? तो अब क्या डायरेक्शन हो जाएगी क्रॉस प्रोडक्ट की? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ हो जाएगी, क्या दिक्कत है उसमें? नेगेटिव हो जाएगी, नीचे की तरफ हो गई डायरेक्शन। तो मैं यही तो बोल रही हूँ कि वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा आपका मतलब परपेंडिकुलर ही होएगा, ठीक है? या तो फिर ये ऐसे ऊपर आ गया नीचे आ गया, प्लेन के तो हमेशा परपेंडिकुलर ही रह रहा है ना। यस मैम। ठीक है बच्चों, चलो अब ये नॉन कम्यूटेटिव है, ये तो फिर से इस एग्जाम्पल से ही समझ में आ गया कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो है वो नेगेटिव है एक दूसरे के। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ये, इसकी एक और प्रॉपर्टी यही है दैट ए क्रॉस बी प्लस सी जब आप निकालते हो इट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। यही हमारी सेम प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटिव है। तीसरी चीज ये है कि ये मैक्सिमम कब होगा? व्हेन इज दिस मैक्सिमम? एट 45 डिग्री। साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? 90 डिग्री की वजह से क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा ना। तो इस सिचुएशन में बेटा जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है इट इज इक्वल टू ए बी, है ना? ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है। और एक और चीज मुझे ये बताओ कि जीरो कब होगा क्रॉस प्रोडक्ट? वेरी गुड, क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो अगर थीटा मेरा 0 डिग्री है या फिर थीटा मेरा 180 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ? वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। यस मैम। है ना, अगर मेरे वेक्टर्स पैरेलल हैं एक दूसरे से तब भी मेरा क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, अगर मेरे वेक्टर्स एंटी पैरेलल है तब भी मेरा क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। इस चीज से सब बच्चे अग्री कर रहे हो? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ से मुझे एक और चीज ये बताओ कि अगर मैं जो वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ ले लूं तो क्या आंसर आना चाहिए? मैम जीरो। मैम जीरो। क्यों? मैम क्योंकि मैम पैरेलल हो गए ना, मैम एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे में कोइंसाइड ही कर गए तो दोनों के बीच में एंगल तो आपका जीरो के बराबर है ना। यस मैम। साइन जीरो। इतना समझ में आया?
हाँ सही बोल रहे हो बिल्कुल, साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहां तक समझ में आया, यहां तक क्रॉस प्रोडक्ट इजी इजी चल रहा है अभी तक, क्लियर है बेटा यहां तक सबको? चलो तो इस, हाँ बेटा तो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाओ सब बच्चे, क्लियर है तो मैम फिर चलो आगे। मैम 45 डिग्री कैसे आया बेटा? मैम कॉस थीटा और साइन थीटा इक्वल होंगे मैम, फॉर्मूला लगाने से मैम कॉस थीटा इक्वल होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होती है मैम? ए बी कॉस थीटा एंड ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना? वो होता है ए बी साइन थीटा, वो होता है मैम ए बी साइन थीटा, है ना मैम? तो अगर दोनों हमें इक्वल गिवन है मतलब टैन थीटा हमारा 1 होना चाहिए, या फिर भैया कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कुछ भी कर लो, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मैम? 45 डिग्री। स्क्रीन स्टक हो गई, एक सेकंड बेटा, अभी विजिबल है? यस मैम, है ना? ए डॉट बी की वैल्यू हमने देखी थी, ए बी कॉस थीटा आती है, और ये क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमने देखी ली, ए बी साइन थीटा आती है, तो इसका मतलब है व्हेनेवर दे आर इक्वल टैन थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इज दिस ओके गाइस? पक्का? यस मैम। अब आ जाओ थोड़े से मेहनत वाले काम पे, ठीक है? अब इसके बाद का जो पार्ट है वो थोड़ा हमें मेहनत करनी है। याद है हमने डॉट प्रोडक्ट लिख लिया था कि आई जे के टर्म्स में कैसे आता है? यस मैम, है ना? वही सेम चीज अब हम वेक्टर प्रोडक्ट में करेंगे। यहाँ तक तो सही है, अब वेक्टर प्रोडक्ट में थोड़ा सा उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपके पास आई कैप जे कैप और के कैप है? यस मैम, है ना? तो सबसे पहले अपनी कॉपी में वही ड्रॉ कर लो सब बच्चे, मेरे को फिर डायरेक्शंस आप लोगों को बतानी पड़ेंगी ना, डायरेक्शंस बताना सब बच्चे अब मिलकर। आई जेड और के है हमारे पास, मतलब एक्स वाई, एक्स वाई और जेड है हमारे पास, आई कैप जे कैप और के कैप हम ड्रॉ कर लेते हैं। आई कैप ड्रॉ कर लिया ये ऐसे मैम, जे कैप ड्रॉ कर लिया कुछ ऐसे आ गया, के कैप ड्रॉ कर लिया मैम कुछ ऐसे आ गया, ठीक है? अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई क्रॉस आई? मैम आई क्रॉस आई वैसे नहीं होता है, पर क्रॉस प्रोडक्ट में जीरो होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में जीरो होता है ना? यस मैम। और जे डॉट जे क्रॉस जे? मैम जीरो, जीरो। के क्रॉस के भी जीरो हो जाएगा मैम? यस मैम। ये जीरो क्यों हुए? क्योंकि मैम आई क्रॉस आई सेम वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट अगर लेंगे तो एंगल जीरो है ना उनके बीच में, है ना? अगर आप एक वेक्टर का उसके साथ में ही क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उनके बीच में एंगल जीरो है, तो ये जीरो हो गए। इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब मुझे ये बताओ कि व्हाट शुड बी आई क्रॉस जे? वन होगा, वन, वन तो बेटा मैग्नीट्यूड हो जाएगा उसका, डायरेक्शन में क्या लिखा? माइनस के कैप होना चाहिए। देखो आई की तरफ अगर मैंने, अब देखो ना यहाँ पर अपना रूल यूज करो, अगर मैं आई की तरफ अपना हाथ रख रही हूँ, जे की तरफ कर्ल कर रही हूँ, तो मेरी उंगली बाहर की तरफ पॉइंट कर रही है ना, के की तरफ ही तो पॉइंट कर रही है। कैन यू गाइस सी दैट? यस मैम। तो आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी हो गई? और अगर हम जे क्रॉस आई निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? इसको भी करके देख लो कि अगर जे अब ऐसे है और जे को मैं, मेरा हाथ बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, ठीक है, जे को मैं इस तरीके से कर्ल कर रही हूँ तो के कैप अंदर की तरफ जा रहा है ना मेरा ये जो वेक्टर है, देख सकते हो कि मैम? यस मैम, अंदर की तरफ जा रहा है। यस मैम, ठीक है। वैसे ही अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जे क्रॉस के बताओ, आई कैप, जे क्रॉस के आई कैप आ जाएगा? जे क्रॉस के का क्या मतलब है? कैप आएगा शायद, देखो फिर से, ये अब k बाहर की तरफ है, है ना? दिस इज माई k, बाहर की तरफ मतलब k जो है वो स्क्रीन से मेरी तरफ पॉइंट कर रहा है, तो मैं अपना हाथ पहले सीधा रखूंगी j के अलोंग, k की तरफ उसको कर्ल करूंगी, तो देखो मेरा अंगूठा i की तरफ पॉइंट कर गया। आप लोग भी करके देखो, हाथ ऐसे सीधा रखो, ऐसे आओ का मोशन बनाते हो ना कि इधर आओ, वैसे ही करके देखो ना, आओ का अगर मोशन बनाओगे ऐसे हाथ सीधा रख के, तो i के आपकी तरफ पॉइंट नहीं कर जाएगा? यस मैम। Yes, ma'am. तो J cross K is equal to I. और अगर मैं K cross J पूछूं? Minus I cap. Minus I cap. सबसे पहले तो हमें पता है कि negative तो होंगे ही ना, करके भी देख लो कि मेरा अब जो, अब देखो इस तरीके से आएगा, मेरा जो K है वो कुछ ऐसे है और उसको मैं कुछ ऐसे कॉल कर रही हूँ, ऐसे, है ना? K अब मेरा ऐसे है, ऐसे जैसे प्लेट में सजा रखा है मैंने अपना हाथ, देखो मेरा हाथ बहुत टेढ़ा हो चुका है इस पॉइंट पे, और मैं इसको अंदर की तरफ ऐसे कॉल कर रही हूँ J की तरफ,
So now my hand is pointing like this. So that is why it will be minus i cap. ये सब लोग कर रहे हो ना मेरे साथ साथ में, कहीं मैं अकेले अपना हाथ टेढ़ा मेढ़ा कर रही हूँ, बच्चे मेहनत कर नहीं रहे, मैम कर रहे हो कर रहे हो ना, ठीक है yes. चलो अब लास्ट पे आ जाओ, k क्रॉस i कितना होगा, मैम j कैप। अब तो बच्चे ऐसे गैस ही कर रहे हैं, मैम j कैप j कैप। अब ये कैसे आया, ये ऐसे बाहर की तरफ रखा हमने और इसको i की तरफ आप बेंड कर दो ऐसे, है ना, ये दिख रहा है, कर रहे हो बेटा, वेरी गुड। इसको अब मैंने ऐसे रखा और इसको i की तरफ मैंने घुमा दिया, ठीक है, तो ये कुछ ऊपर आ गया तो मतलब j कैप हो गया, और अगर उल्टा कर दूंगी तो फिर से मेरे पास वही आ जाएगा। अगर मैं i क्रॉस k कर दूंगी तब मेरे पास क्या आएगा, मैम स्क्रीन, स्क्रीन गई क्या, अभी आ गई, k क्रॉस i तो j कैप हो गया, i क्रॉस k कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस j कैप, माइनस j कैप, ठीक है। इसको भी करके देख लो कि अगर i मेरा इस तरीके से है ना, ऐसे आ जाएगा इसमें आई केस, नहीं ऐसे आएगा, अरे बड़ी मेहनत है यार इसमें। अब देखो आई को अगर मैं इस तरीके से घुमा रही हूँ तो वो नीचे की साइड पे जा रहा है, मतलब मेरा नेगेटिव जे कैप वेक्टर आ रहा है, ठीक है। ये चीज सबसे पहले समझ में आ गई सब लोगों को। अब देखो ये डॉट प्रोडक्ट से एग्जैक्टली उल्टा है, डॉट में जो आई आई जे जे के वाली टर्म्स थी वो वन आई थी, यहाँ पर जो ये आपकी आई जे वगैरह वाली टर्म्स है वो तो वैल्यू दे रही है, आई आई जे जे और के वाली टर्म जीरो आ रही है। So this thing is exactly the opposite of vector jo product hota hai, it is exactly opposite of dot product. Yahan tak sabko samajh mein aaya? Yes ma'am. Ab isko yaad rakhne ka bhi ek tarika hai, bata dun short trick. Yes ma'am. Yaad rakhne ka tarika ye hai ki aise i likh lo, j likh lo aur k likh lo, aur ye aise ek arrow bana do i se j ki taraf, j se, देखो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, एरो मतलब आ नहीं थी वो, उसका मतलब ये है कि भगवान चाहते नहीं आपको शॉर्ट ट्रिक बताया जाए, लंबे तरीके से याद रखना है, पेपर में बैठ के बच्चे ऐसे हाथ टेढ़ा मेढ़ा कर रहे होंगे कि आई जे क्या है, जे के क्या है। अभी विजिबल हो गई स्क्रीन, यस मैम, ये दिख गया शॉर्ट ट्रिक वाला सर्कल, यस मैम, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज चलता है हमारा सर्कल, जिस भी डायरेक्शन में चल रहा है वैसे ही चल रहा है। इसका मतलब क्या है, आई क्रॉस जे हो गया डायरेक्टली के कैप, जे क्रॉस के कितना हो गया, बचा हुआ आई कैप, और k क्रॉस i कितना हो गया, j कैप। अगर मैं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चली, अगर मैं ये जो सर्कल है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हूँ तो j और i का अगर मैं लूंगी तो नेगेटिव आ जाएगा, i और k का अगर मैं लूंगी तो माइनस j आ जाएगा, और k और j का अगर मैं लूंगी क्रॉस प्रोडक्ट तो माइनस i आ जाएगा। समझ में आ गई बात, yes, yes, ठीक है। तो ये वाला जो चीज है, इससे ये जो छो के छो फॉर्मूलाज है ये याद रखने आपके लिए बहुत आसान हो गए हैं, क्लियर है ये चीज, इज दिस ओके, चलूं आगे, यस यस मैम। अब ये तो सिंपल चीज हो गई, हमें समझ में आ गया कि आई जे और के साथ में क्या हो रहा है। अब हमें प्रॉब्लम क्या है लेकिन हमारी, कि हमारे तो वेक्टर्स होते हैं ना, हमारे पास तो, मेरे पास तो एक वेक्टर ए होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर मेरे पास b होगा कोई, तो b वेक्टर भी कितना होगा, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब यहाँ पे अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तब तो बहुत मेहनत लग जाएगी, है ना मैम। अभी हमने देखा था वो सर्कल बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास तो 9 टर्म्स आ जाएंगी इस केस में, आएंगी नहीं आएंगी, यस मैम, है ना, i j और k, ऐसा ही तो सर्कल था हमारा, ऐसे गया ऐसे गया और ऐसे गया, तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सबसे पहले देखो ए एक्स आई के साथ आई वाली जो टर्म है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी, यस मैम, तो वो जीरो हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, ए एक्स बी वाई इंटू आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे की क्या वैल्यू आ रही है बेटा यहाँ से, एम्प्टी कैप, फिर आपके पास क्या बचेगा, ए एक्स आई ए एक्स बी जेड इंटू आई क्रॉस के, आई क्रॉस के की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, माइनस जे, ऐसे ही सारी वैल्यूज लिख सकती हूँ। अब आगे क्या है, ए वाई, ए वाई और बी एक्स वाली टर्म भी जीरो नहीं होगी यहाँ पर, ये समझ नहीं आया बेटा। ये देखो सबसे पहले मैं ये वाली टर्म के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, ए एक्स आई को मैंने मल्टीप्लाई किया इससे बी एक्स आई से, तो मेरे पास आ जाएगा ए एक्स बी एक्स I क्रॉस I, ये वाली चीज जीरो हो जाएगी, इस चीज से अग्री कर रहे हैं बच्चा,
है ना, दूसरी टर्म क्या आएगी, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, वो वाली टर्म आपकी ए एक्स बी वाई के कैप नहीं आ जाएगी, yes, ma'am. है ना, और फाइनल टर्म क्या आएगी, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड इंटू आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस जे, माइनस जे, तो यहां से माइनस जे वैल्यू आ गई. अभी समझ में आया, ऐसे ही तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये वाली को इससे मल्टीप्लाई किया ना, bz k cap वाली टर्म से. अरे ऐसे ही तो करते हो ना मल्टीप्लाई, अब ये पहली टर्म को इन तीनों से कर दिया, फिर ये दूसरी टर्म को इन तीनों से कर देंगे, फिर तीसरी टर्म को इन तीनों से कर देंगे, तो हो गया मल्टीप्लाई. दो चीजों को ऐसे ही तो मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं करते, खो गए हैं भाई बच्चे. चलो थोड़ा एक्सपैंड करके लिख देती हूँ. बच्चे ऐसे बोल रहे हैं मैम कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैम क्या बोल रहे हो आप. नहीं मैम आ रहा है समझ में. अच्छा अच्छे से और एक्सपैंड करके लिख देती हूँ ताकि दिक्कत ही ना आए. सबसे पहले ये ए एक्स वाली टर्म को इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स डी एक्स आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के. यहां तक सब अग्रीड है मेरे साथ? यस मैम. इसके बाद अगली टर्म आएगी, ए वाई को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, है ना, ए वाई बी एक्स आई क्रॉस नहीं ए वाई का है जे, जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के. ठीक है, ये भी सही है, सबको मल्टीप्लाई तो किया है. अब इसके बाद में ये ए जेड से तीनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तब क्या आ जाएगा मैम, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के. अभी समझ में आया? अब इसको मैं एक्सपैंड करके लिख सकती हूँ बेटा, ये वाला स्टेप क्लियर हो. अब हमें इन सबकी वैल्यूज पता है ना, आई क्रॉस आई की वैल्यू जीरो हो जाती है, ये जीरो हो जाएगा, जे क्रॉस जे की वैल्यू जीरो हो जाती है, के क्रॉस के की वैल्यू जीरो हो जाती है, ये बाकी बचे हुए की वैल्यूज तो मैं लिख सकती हूँ ना, ये वाले जो सर्कल बनाया है इससे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? सन्नाटा हो गया भाई क्लास में, बच्चों को समझ नहीं आ रहा. आ रहा है ना? हाँ बस ठीक है, इम्पोर्टेंट वही है, सन्नाटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आना चाहिए. फिर भी इस तरीके से बनाया था ना हमने सर्कल हमारा. यस मैम आ रहा है समझ में. तो ए क्रॉस बी की कैसे वैल्यू लिखेंगे, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे मतलब के, के कैप, तो ए एक्स बी वाई के कैप, ठीक है, प्लस ए एक्स बी वाई के साथ क्या आएगा, आई क्रॉस के, इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, वेरी गुड, ए एक्स बी जेड विल बी इक्वल टू, ये जेड समझ नहीं आएगा ना, ए एक्स बी जेड विल बी इक्वल टू माइनस के कैप, नहीं माइनस जे, मैम माइनस जे, ठीक है, वेरी गुड, माइनस जे कैप. अब इसके अगली टर्म क्या है, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, माइनस के कैप, ए वाई बी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस के कैप. इसके आगे क्या है मेरे पास, ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, आई कैप, क्रॉस के हो गया आई कैप. इसके आगे क्या है अब मेरे पास, ये ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, जे कैप, जे कैप है ना, जे कैप हो जाएगा, ये के क्रॉस आई डायरेक्टली जे कैप प्लस, अब इसका यहाँ पर क्या है मेरे पास, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे माइनस आई, माइनस आई कैप, वेरी गुड, ए जेड बी वाई विल बी इक्वल टू माइनस आई कैप, ओ नो नो, ए जेड बी वाई इंटू माइनस आई कैप. ये वाली चीज सबको क्लियर हुई? यस मैम. डॉट प्रोडक्ट, अब लग रहा है ना कि डॉट प्रोडक्ट तो मैम बहुत ही इजी था, मैम ये क्यों ही कर रहे हैं मैम? मैम सर्कल से ज्यादा इजी लग रहा है ये सर्कल. वो सर्कल सबसे ज्यादा जरूरी है, ये सर्कल ही आपको क्रॉस प्रोडक्ट में याद रखना है, ये आपका ऐसे बेड़ा पार करा देगा सर्कल, और कुछ हेल्प नहीं होगी किसी चीज से. ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आई कैप जे कैप वगैरह कॉमन ले सकती हूँ ना.
है ना, तो अगर मैं आई कैप कॉमन ले लूंगी तो ये वाली एक टर्म आ जाएगी और आई कैप की एक और टर्म होगी ना, ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है? Yes, ma'am. तो मैं आई कैप अगर कॉमन लूंगी तो आई कैन राइट ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, देख रहे हो जेड और वाई वाली टर्म्स ही आ रही है ना आई कैप के केस में। अब इसके बाद हम जे कैप के अंदर नेगेटिव लगा देते हैं, मैं बाद में बता दूंगी क्यों लगाते हैं जब हम डिटर्मिनेंट मेथड डिस्कस करेंगे। तो जे कैप के केस में हमारे पास एक ये ए एक्स बी जेड वाली टर्म आएगी, एक ए जेड बी एक्स वाली टर्म आएगी, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप। और के कैप के लिए हम लिख सकते हैं अब ये वाली टर्म आ जाएगी वाई और एक्स वाली, और ये वाली टर्म आ जाएगी एक्स और वाई वाली। तो डायरेक्टली बेटा ये माइनस मैंने ना यहाँ पर जे कैप में एक नेगेटिव टर्म है एक पॉजिटिव टर्म है ना, है ना, तो मैंने नेगेटिव जे कैप वहां से कॉमन ले लिया एक तरीके से। ओके मैम, ओके। उसका रीजन यही होता है कि अच्छा आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा है क्या? नो मैम, मैट्रिसेस नहीं पढ़ा अभी, 12th में आता है अब 11th, 12th में आएगा ना मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट होगा, मैथ्स के चैप्टर में होता है जब हम डिटरमिनेंट पढ़ा नहीं, देखा है पढ़ा नहीं, तो जब हम डिटरमिनेंट लेते हैं ना बच्चा तो उसमें जो बीच वाली टर्म होती है वो नेगेटिव आती है, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लिख रहे हैं क्योंकि ये वाला और डिटरमिनेंट फॉर्म सेम आएगा, ठीक है? आपको पॉजिटिव लेके भी सॉल्व करना है तो आंसर सेम ही आएगा, आंसर में दिक्कत नहीं आएगी, ये खाली मैं अपनी कन्वेंशन के लिए लिख रही हूँ। और आगे क्या लिख सकते हैं, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के क्या, तो ये हमारे पास फाइनल डॉट प्रोडक्ट आ गया। अगर आपके पास दो वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो, इतना लंबा फॉर्मूला है ये। डॉट प्रोडक्ट बहुत इजी था क्योंकि डायरेक्टली मैम ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड आ रहा था मैम, हम कर देते थे खत्म काम, यहाँ पर ये तो बहुत लंबी महाभारत चल गई है ना, तो कर लोगे अब तो यहाँ पर भी आंसर? यस मैम, यस मैम, ठीक है। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं इसको कैलकुलेट करने की, आप लोगों को और आसान लगेगा वंस यू हैव एक्चुअली स्टडीड दैट चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो ये हमारे स्कूल में पता है क्या हुआ था कि हमारे स्कूल में उन्होंने सबसे पहले मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट ही शुरू करवाया था, तो वो चैप्टर हमारा ऐसे परफेक्ट हो गया था। तो डिटरमिनेंट मेथड में बेटा आप क्या लिखोगे कि ए क्रॉस बी को हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे, थोड़ा बड़ा लिख रही हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाओ। यहाँ पे आप लिखोगे आई, यहाँ पे आप लिखोगे जे, यहाँ पे आप लिखोगे के, इधर आप लिखोगे ए एक्स ए वाई ए जेड, इधर आप लिखोगे बी एक्स बी वाई और बी जेड, ठीक है? ये क्लियर है? ऐसे नौ की आपने एक टेबल सी बना दी है, ये बना लिया सबने कॉपी में? यस मैम, बना लिया। अब हमें निकालनी है टर्म्स। सबसे पहले आई कैप के साथ वाली जो टर्म होगी उसमें आप लोग क्या करोगे, ये जो आई कैप वाली पूरी रो है और ये वाली पहली रो है इसको छुपा लोगे और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ए वाई को बी जेड से, बी वाई को ए जेड से, तो क्या टर्म आएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ay into bz minus by.az। यस मैम, आ गई ये टर्म। सो मैम माइनस तो हमें याद रखना पड़ेगा ना, फिर माइनस में बेटा क्या होता है जब हम ये बीच वाली टर्म कंसिडर करते हैं ना, तो आप यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस लगा दोगे। अब जब मैं यहाँ पर लिखूंगी आई कैप के बाद जब मैं जे कैप लिखूंगी तो मैं ऑलरेडी एक माइनस जे कैप लिखूंगी, माइनस जे कैप इनटू, अब यहां पर जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये जे कैप वाली रो को हाइड कर दो और ये ऊपर वाली रो को हाइड कर दो, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आएगा? ऐसे, ये दिखा माइनस जे कैप बेटा। जब हम मैट्रिसेस पढ़ते हैं ना तो ये वाली जो टर्म होती है ये वन वन वाली टर्म होती है, ये जो टर्म होती है ये वन टू होती है, ये वाली टर्म वन थ्री होती है, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो इवन बन गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो इवन बन गया, यहाँ पे आपका ऑड बन जाता है, तो इस रीजन से ना यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आता है। आप अपनी कन्वेंशन में याद कर लो कि जे कैप में नेगेटिव ही लगाना है।
ओके मैम ठीक है, तभी मैंने उधर भी वो नेगेटिव ही कॉमन लेके दिखाया ताकि आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर कर पाओ। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, इज दिस ओके? यस मैम। और फाइनल स्टेप में जब हम के साथ करेंगे तब भी कर सकते हैं, है ना? फाइनल स्टेप में अब आप के साथ भी कर ही सकते हो, के साथ करोगे तो एक बार कॉपी में करके बताओ क्या आएगा। मैम सो के केस में पॉजिटिव लगाएंगे उसमें, हाँ, भी नेगेटिव, के केस में पॉजिटिव, खाली जे के केस में नेगेटिव आएगा, जो ये बीच वाला टर्म है उसके केस में ना, के केस में हमारा आएगा ax by - bx ay। वेरी गुड, कैसे निकाला, ये हाइड कर दिया, ये हाइड कर दिया, तो ये आ गया ऐसे, है ना? ये ड्रॉ रहने दूंगी ताकि आप लोगों को याद रहे, तो ये आ जाएगा आपका ax by - bx ay। हां बेटा म्यूट कर लो अपने आप को बच्चा, ठीक है? कुछ भी बोलना हो यार बोल लिया करो, फिर म्यूट कर लिया करो ताकि बाकी बच्चों को आवाज सुनेंगे। तो आ गया हमारा यही एक्सप्रेशन, तो पिछली स्लाइड में भी आया था। यस मैम आ गया ना, तो अब आपको ये एक्सप्रेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप वो वाले मेथड से करते हो, ये जो पिछला वाला मेथड हमने किया है, तो आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये एक्सप्रेशन याद नहीं रखना, आपको खाली ये नौ की टेबल बनानी है, आपका काम हो गया। अभी समझ में आया किसका यूज किया है एक्सप्रेशन का? Yes, ma'am. ठीक है, yes, इसका सवाल सॉल्व करवा दूं? Yes, ma'am, कर लेते हैं। एक नहीं, इसके चार पांच करेंगे यार, वरना समझ नहीं आएगा। ठीक है, yes, तो चलो सबसे पहले ये वाला करते हैं, दोनों तरीकों से करेंगे बेटा इसको, ठीक है? तो मैं आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ, जिन बच्चों ने फॉर्मूला लिख रखा है वो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। हमने क्या पढ़ा था कि ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होती है, बड़ा लंबा लिखना पड़ेगा यार, मेहनत करनी पड़ती है, तीन बार लिख लिया अब मैंने, ए वाई बी एक्स माइनस ए एक्स, नहीं गलत लिख रही हूँ, इसकी वैल्यू आती है हमारी ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस बी माइनस ए जेड बी वाई आई कैप माइनस ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड जे कैप प्लस ए जेड। सब बच्चे इस फॉर्मूला से करेंगे, उसके बाद मैं क्रॉस प्रोडक्ट वाले मेथड से करूंगी, देख लेंगे कौन सा ज्यादा इजी है। उसके बाद है ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई के क्या, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट वाले फॉर्मूला से सॉल्व करके मुझे आंसर बता दो बेटा कितना आ रहा है इसका। ठीक है, सब बच्चे सॉल्व करके बताओ कि क्या फाइनल आंसर आ रहा है मैम। ये ना नेगेटिव पॉजिटिव देख लेना, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव भी लेना है ए वाई वगैरह में, खाली ये टू ही मत लेना, माइनस टू लेना। कर रहे हैं सब बच्चे सॉल्व? यस मैम। करो बेटा, बताओ आंसर क्या आ रहा है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसमें किसी को कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। आंसर बताओ बेटा, मैं आंसर आप लोगों के नोट डाउन कर दूंगी यहाँ पर, फिर हम चेक कर लेंगे कि क्या सही आ रहा है क्या गलत आ रहा है। इतनी देर लग गई क्या मैथमेटिक्स से? सिंपल कहाँ है बच्चे? मैम आ गया आंसर। क्या आया मैम? माइनस एट आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस थ्री के कैप माइनस थ्री के क्या। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे बताओ क्या आया। चलो सॉल्व में सॉल्व करते हैं। मैं ना तीन डिटर्मिनेंट लिख रही हूँ यहाँ पर, तीन डिटर्मिनेंट इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको आई कैप जे कैप और के कैप वाली टर्म अलग से दिखा दे। स्क्रीन स्टक हो गई क्या? अच्छा अभी आ गई। ठीक है, तब तक बाकी बच्चे सॉल्व करते रहेंगे, बताओ।
मैम माइनस सिक्स जे कैप प्लस थ्री के कैप माइनस सिक्स जे कैप प्लस थ्री के कैप ठीक है वेरी गुड तो दो अलग अलग आंसर हमारे पास आ गए हैं बाकी बच्चे बताओ क्या आ रहा है आई जे के आई जे ये मैं इसलिए बता दूं ताकि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई और अच्छे से समझ में आ जाए आई जे के अब देख लो बच्चों सब इधर जब मैं टर्म्स लिखूंगी तो मैं कैसे लिखूंगी वन माइनस टू मैम आंसर आ गया सिक्स जे कैप माइनस थ्री के कैप वेरी गुड तो चलो सॉल्व करते हैं अब वन माइनस टू फोर लिखेंगे इधर भी वन माइनस टू फोर इधर भी वन माइनस टू फोर और इधर मैं क्या लिखूंगी बी की क्या टर्म्स है टू माइनस वन और टू टू माइनस वन और टू तुम सबकी कुछ गलती हो रही है क्योंकि आंसर शायद ये नहीं है बट मैं सॉल्व करके देखती हूँ सबका सेम ही आ रहा है मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे आ रहा है सो आई विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ठीक है ये भी तो आपका भी सेम ही आया जो सबसे पहले बच्चे का है तो चलो कैलकुलेट करते हैं एक बार इस मेथड से फिर इस पे भी वापसी आऊंगी आई कैप निकालने के लिए क्या करना है ये वाली रो हाइड करनी है ये वाला हाइड करना है इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है माइनस टू इंटू टू कितना हो जाएगा माइनस फोर क्या आएगा ये मैम ठीक है मैम पहली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी तो मेरा सही जा रहा है कैंसिल हो गई ठीक है अब उसके बाद हमने क्या करना है ये जे कैप वाली टर्म देख लो तो जे कैप वाली टर्म में सबसे पहले हमें माइनस जे कैप तो वैसे ही लगा देना है यस मैम फिर टू आ जाएगा पहले और फिर माइनस एट आ जाएगा टू माइनस टू और माइनस एट आ जाएगा टू और माइनस एट आ गया तो ये कितना आएगा बेटा मैम तो ये बाहर हो जाएगा सिक्स जे कैप बन जाएगा सिक्स जे कैप ये पॉजिटिव का सिक्स जे बन जाएगा ठीक है वेरी गुड ये हमारे पास आ गया टू माइनस फोर टू जा सिक्स ठीक है तो बिल्कुल सही बोल रहे हो ये सिक्स बन जाएगा मैंने गलत मैम एट कहाँ है अच्छा एट है मैम इसमें एट आएगा हाँ आंसर हमारा मैम मैंने ना बेसिकली अपनी कॉपी में सॉल्व कर रखा है इसको थ्री लेकर तो मैं बोलूं सब बच्चों का गलत कैसे आ रहा है ठीक है तो आप लोगों का सही आ रहा है मैंने गलत सॉल्व कर रखा है गुड जॉब सिक्स जे कैप माइनस थ्री के कैप हाँ वेरी गुड तो अब अगर हम के कैप के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे मैम एक आएगा माइनस वन फिर प्लस टू माइनस वन माइनस ऑफ माइनस टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो खाली के कैप बचेगा माइनस फोर होगा क्यों माइनस टू की जगह माइनस फोर होगा मैम ठीक है माइनस टू की जगह यहाँ पे माइनस फोर होगा सो माइनस वन और नेगेटिव ऑफ नेगेटिव फोर तो ये आपका प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका थ्री तो आंसर निकल गया हमारा Yes, ma'am. 6J cap minus 3K cap. A cross B will be equal to 6J cap. 6J cap plus 3K cap. Very good. तो अभी सब बच्चों को समझ में आया कौन सा मेथड ज्यादा इजी लगा फॉर्मूला वाला या डिटर्मिनेंट वाला डिटर्मिनेंट वाला मैम है ना बेटा डिटर्मिनेंट वाले मेथड में खाली हाँ डिटर्मिनेंट वाले मेथड में खाली फायदा ये है कि आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना वो ऊपर वाले में फॉर्मूला याद रखने का कोई फायदा नहीं है ठीक है बच्चों आगे अगले क्वेश्चन पे चलूं यस मैम आयुष बेटा आपने हैंड रेस किया है कोई डाउट है तो बताओ मैम माइनस जे और मैम टू माइनस एट तो लिखेंगे बेटा टू माइनस एट इसलिए लिखेंगे वन को आप टू से मल्टीप्लाई करोगे टू आ जाएगा और फोर को आप टू से करोगे एट आ जाएगा तो दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाई टू करते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में तो टू माइनस एट लिखेंगे ना इधर समझ रहे हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको सेम तरीके से करनी है बस जे के सामने आपको एक नेगेटिव साइन लगा देना है वो डिटरमिनेंट का रूल है एक तरीके से आप ये इमेजिन कर लो ओके मैम ठीक है डिटरमिनेंट का रूल है कि जो ये बीच वाली टर्म होती है उसमें आपका नेगेटिव आएगा ही आएगा जब आप और फ्यूचर में डिटरमिनेंट मैट्रिसेस करोगे तब आपको और अच्छे से रीजन समझ में आ जाएगा बट ये नेगेटिव आपका आएगा ही चाहिए आपने ठीक है इज इट क्लियर गाइस यस मैम क्लियर हो गया चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये आप मुझे सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका भी सब बच्चे सॉल्व करके बताओ डिटरमिनेंट से कर लो फॉर्मूला वाले से करना है तो फॉर्मूले वाले से कर लो आंसर बता दो ये मैंने शायद सही कर रखा है टू थ्री माइनस फाइव फोर हाँ ये मैंने सही कर रखा है तो इसका आंसर मैं बता पाऊंगी कि बच्चों का सही आ रहा है नहीं आ रहा
मुझे ऐसे 12th में ये चैप्टर अच्छा लगा था, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट वाला। थोड़ी मेहनत है इस चैप्टर में बहुत ज्यादा, क्योंकि ना वो आप पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, बट अच्छा चैप्टर है ये। Try to calculate it, guys. ऐसे जब क्वेश्चन बच्चे सॉल्व करते हैं एकदम से सन्नाटा हो जाता है पूरी क्लास में। खत्म हो गया। हो गया, बताओ क्या आंसर आया बच्चा? हो गया क्या आंसर आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 के साथ। वेरी गुड, बाकी बच्चों का भी यही आ रहा है 33 27 23। यस मैम, है ना, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका भी होता है 33 27 और 23। ये भी वेक्टर का वही मतलब है, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में। तो कुछ कुछ बुक्स वगैरह में जो थोड़े से बड़े बच्चों की बुक्स होती है ना, मतलब बैचलर्स वगैरह में कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं। सबका यही आ रहा है? अगर आपको, अगर आप आंसर ऐसे लिख रहे हो ना चैट पे, तो आप ऐसे भी लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगी। मैम, हाँ बेटा, मैम जे एंड के में माइनस साइन भी है, -27 और -23। सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है? मेरा भी माइनस नहीं आया था, एक बार सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है? मेरा भी यही आ रहा है, एक बार सॉल्व। मैम नहीं आ रहा, मैम नेगेटिव साइन। नेगेटिव नहीं आ रहा ना, चलो। आई जे के है बेटा 2 -5 और 3। अच्छा, स्क्रीन स्टक है। अभी विजिबल है बच्चों? यस मैम। 2 -5 और 3 है और हमारे पास है 3, 4 और -9। तो सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं आई कैप वाली टर्म। आई कैप में क्या हो जाएगा बेटा, ये रो हाइड कर दो। -5 × -9 मतलब? मैम स्क्रीन स्टॉप हो गई है। एक सेकंड, अभी आ गई बच्चों? यस मैम। है ना, मैंने बोला कि आई वाली में हमने ये वाली रो हाइड कर दी, ये वाली रो, तो क्या आ जाएगा? -5 × -9 = 45, -12। -4 × 3 = 12। उसके बाद हम करेंगे माइनस जे कैप। अब माइनस जे कैप के केस में हम क्या करेंगे, ये वाली जो बीच वाली रो है इसको हाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? -18। है ना बच्चों, अग्री कर रहे हैं सब बच्चे? यस मैम। -18 और -9। यस मैम। उसके बाद आ जाएगा प्लस के क्या, अब उसमें हम ये फाइनल वाली रो हाइड करेंगे, ठीक है? ये जो मैं ये ब्लू लाइन बना रही हूँ ना, ये आप लोगों के लिए बना रही हूँ। आप लोग अगर चाहते हो तो आप अपने पेन से या फिर अपनी फिंगर से हाइड करके देख सकते हो, मतलब जैसे आप लोगों को कन्वीनियंट लगता है। आपको अपनी कॉपी में ये लाइनें बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 2 8, यस मैम, 8 और 5 3 15। तो दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि बीच में नेगेटिव है। 8 - -15, है ना बेटा? यस मैम। यस मैम, तो हमारे पास आंसर सही आ जाएगा ना, ये जो बच्चे का आया है 33i + 27j + 8 और 15 कितना होता है? 23 तो होता है ना, 23 के। यस मैम, समझ में आ गया? हाँ बेटा। मैम जैसे कि -19 है और -9 है, तो -, -+ होता है, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहता है ना। हाँ तो माइनस का ही तो रहेगा, बाहर भी तो एक माइनस है ना बेटा फिर। ओके मैम, -18 और -9 को प्लस करोगे तो -27 आ जाएगा ना। अब जो बाहर माइनस का साइन है वो दोनों मिलके प्लस बना देंगे। ओके मैम, ठीक है, सबका क्लियर हो गया डाउट? यस, जिनका नेगेटिव या पॉजिटिव वाला डाउट था बेटा शायद आपका, ठीक है? अहद, अहद बेटा, खाली एक आपकी टर्म गलत आई है, वो आपको समझ में आ गई? आपने यस मैम समझ आ गई, साइन कुछ कर दिया होगा। यस मैम, उसी से हुआ था, साइन चेंज हो गया था, ठीक है? क्रॉस प्रोडक्ट में इतना ही समझना है हमें। अब इसके आगे इसकी एप्लीकेशंस होती हैं, वो मैं आप लोगों को और बता देती हूँ, बाकी फिर ये टॉपिक फिनिश्ड है हमारा। तो बेटा इसकी एप्लीकेशंस ना 3-4 चीजों में काम आती है। पहली चीज होती है, आप एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम निकाल सकते हो। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम,
अगर आपको किसी भी पैरेललोग्राम की दो साइड्स गिवन है तो उसका जो एरिया होगा इट विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी. अब जो आपका एरिया है ना वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. ये जब हम इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे आगे और हमने पढ़ा था. एरिया जो होता है कैसे-कैसे बढ़ता है एरिया आपका एरिया जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो एरिया पैरेललोग्राम के केस में आप डायरेक्टली ए क्रॉस बी करके अगर उसका मैग्नीट्यूड ले लोगे तो उससे भी आपका आ जाता है वेक्टर अगर आप मान लो. ठीक है. सेकेंडली आप एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैलकुलेट कर सकते हो. उसका गैस करोगे क्या होगा. अगर आपको कोई भी दो साइड्स गिवन है ट्रायंगल की तो उसका भी एरिया हो जाएगा हाफ इनटू ए क्रॉस बी. ठीक है. एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन होती है इसकी जो आप वेक्टर्स में अभी 12th क्लास में भी देखोगे कि अगर मुझे दो वेक्टर गिवन है और मैं आपको बोल रही हूँ मुझे एक यूनिट वेक्टर बताओ विच इज परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स सो यू कैन कैलकुलेट दैट यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट. यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू एनी टू वेक्टर्स. कोई भी अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन है और आपसे पूछा गया है कि बता दो उसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आप कैसे निकालोगे तो आप डायरेक्टली उसको क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हो. क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे निकालोगे. ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी. तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो ए और बी दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा. इस चीज से सब बच्चे अग्री कर रहे हैं. यस मैम नो मैम. मैम एक बार रिपीट है ना एक बार रिपीट कर दो बेटा. हमने क्या पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो ए और बी दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है. दैट इज व्हाट वी स्टडीड. यस मैम. है ना. तो अगर मेरे पास दो वेक्टर है मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आप मेरे पास आपको दो वेक्टर दे रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर बताओ. आप बोलोगे मैम ये तो क्या पूछ रही हो ये कैसे बताऊं. तो क्रॉस प्रोडक्ट से बता सकते हो ना बेटा. दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दिया यूनिट वेक्टर आ जाएगा. okay, है ना. और इसका फाइनल जो हमारा फिजिक्स में यूज होएगा वो यही होगा कि हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे. ये हम करेंगे जब रोटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब. ठीक है. मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है जिसको हम टॉर्क कहते हैं तो टॉर्क आप निकालते हो इस फॉर्मुले से बाय मल्टीप्लाइंग डिस्प्लेसमेंट विद फोर्स. क्रॉस मल्टीप्लाइंग डिस्प्लेसमेंट विद फोर्स. सो दिस इज समथिंग विच वी विल यूज इन आवर लेटर चैप्टर्स. Is this okay? कि हाँ मैम इसको इन दो तीन जगहों पे यूज कर सकते हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. तो अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं तो इसका आंसर कर दोगे. Yes, ma'am, मल्टीप्लाई कर देंगे. बताओ क्या आंसर आएगा. Ma'am, wait. Wait, I am waiting. सब बताओ. अब यहाँ पर याद रखना है कि आपको मुझे इसका मैग्नीट्यूड बताना है. ठीक है. जब आपसे एरिया पूछा जाएगा किसी भी केस में तो आपका जो भी ए क्रॉस बी आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड निकाल के बताना है. वो ऐसे बता देना कि मैम ए क्रॉस बी की वैल्यू इतनी आई. जो मैग्नीट्यूड आएगा आप लोग मुझे वो बताओ. ठीक है. ट्राई टू सॉल्व इट एंड टेल मी व्हाट द मैग्नीट्यूड विल बी. अच्छा ये तीन चार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो इससे आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला तरीका है वो भी प्रैक्टिस हो जाएगा. ठीक है. सब बच्चे कर रहे हैं. क्लास में भी काफी बच्चे हैं. आई थिंक अहद है, आर्यन, आशु, अतिशय, आयुष है हमारे पास, फिर आयुषी, कंचन, लक्ष, मयंक, मोक्ष है, मोनिका, नैतिक, निकिता, पारखी, प्रज्ञा, प्रतीक है, प्रियंका, ऋषिका, रितिका, रोहित, शारदा, शशांक, शिवांगी, तनीषा, शिवम एंड यश. तो काफी सारे बच्चे हैं क्लास में. सब बच्चे करते रहो क्वेश्चन सॉल्व. बढ़िया क्वेश्चन है ये. बाकी सारी जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह है वो अपलोडेड है हमारी. ठीक है. रिकॉर्डिंग्स में हो सकता है आपको लगे कि कुछ चीजें आगे पीछे हैं. बेसिकली वो जो रिकॉर्डिंग्स में अपलोड कर रही हूँ ना वो दूसरे बैच की जिसकी क्लासेस ले रही हूँ उसकी कर रही हूँ. तो क्रॉस प्रोडक्ट का टॉपिक थोड़ा सा उनमें पहले डिस्कस हो गया. ये सारी चीजें मैं अब डिस्कस कर लूंगी. टॉपिक सारे सेम रहेंगे आपके. हाँ सारे कर दिए बेटा. हमारे वाले अंडर रूट 147. अंडर रूट 147. यस मैम. ठीक है. वेरी गुड. बाकी बच्चे ये बताओ. पीछे वाली दिखाऊं. ये लो. ठीक है बच्चा. मैं ये बोल रही थी कि जो हमारी रिकॉर्डिंग्स है ना मैं रिकॉर्डिंग एक दूसरे बैच की अपलोड कर रही हूँ आप अभी वहां पर. और सेम टॉपिक सेम सब कुछ पढ़ाई चल रही है. कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में. एक टॉपिक आगे पीछे हो सकता है बस. दैट इज इट. उस बैच में ना एक क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस हुआ था इसलिए मैंने उसकी कर दी थी अपलोड. ठीक है. ठीक है. तो वहां से भी आप
आप देखोगे कि जहां पे मैंने ये शीट में रिकॉर्डिंग डाल रखी है ना, उसी के आगे टॉपिक्स भी लिख रखे हैं कि जो जो टॉपिक्स उस रिकॉर्डिंग में है, तो आप वहां से टॉपिक अलाइन कर लो कि मेरा ये वाला चीज मिस हुआ या फिर ये वाला चीज मिस हुआ। मैम अंडर रूट में 195 आ रहा है। वेरी गुड, बाकी बच्चे ही बताओ क्या आ रहा है। अंडर रूट में 195। चलो अब कैलकुलेट करते हैं, काफी टाइम हो गया, थोड़ा डिफरेंशिएशन भी स्टार्ट कर देंगे आज की डेट में ही हम। तो बेटा ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं सबसे पहले। मैम 85 आएगा। मोक्ष बच्चा बिटली लिंक आपका ना ग्रुप में अपलोडेड है ऑलरेडी, 85 आ रहा है बेटा आपका, 185 या 85? मैम अंडर रूट में 185। अंडर रूट मैम 85। अच्छा अंडर रूट में 185 और एक बच्चे ने बोला अंडर रूट में 85। ठीक है, अब यहां पे अगर मैम अंडर रूट में है ऐसी 85। अच्छा ऐसी 85 का स्क्वायर आ गया। 85 का स्क्वायर कितना होता है? 80 का स्क्वायर हो गया 1600 के आसपास, तो इसका भी वहीं पे होगा ना। I cap, J cap, K cap. MAT का 1600 के आसपास नहीं होगा। क्यों? 6400 होगा। हाँ 6400। हाँ सही बोल रहे हो। ठीक है, मतलब मुझे भी मैथ्स अपना ब्रश अप करना है ना। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3। असल में मुझे लग रहा है कि आप बच्चों की कैलकुलेशन मेरे से ज्यादा अच्छी होगी इस टाइम पे, क्योंकि आप लोग जब कैलकुलेट करते हो आप अपने पेन पे यूज पेन एंड पेपर। हम लोगों के कॉलेज में कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं तो हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं। ये चीज सबको समझ में आ गई ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर जे कैप लिखूंगी तो माइनस जे कैप लिख रही हूँ सबसे पहले। मैम 5 आएगा। 5 आ जाएगा, 1 - 6। हाँ तो -5 हो गया, तो ये +5 जे कैप हो जाएगा। मैम K8 आएगा। वेरी गुड, +5 जे कैप हो गया। और अगर हम के की बात करेंगे तो 1 - 3 2 - नहीं बेटा ये तो कुछ गर्म नहीं। अच्छा के कैप के टर्म्स में इसको छुपा देंगे। हाँ तो -3 - 4 तो -7 आएगा बेटा, -7 के कैप। ठीक है, अब इसका अगर वो निकालोगे तो मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 121 + 25 + 49। सो आई थिंक दिस विल कम आउट टू बी ए 195 जो मैंने सॉल्व किया था। इज दिस ओके गाइस? यस मैम। ठीक है, यही आंसर आ रहा है। यस मैम। ठीक है, ये 147 और 185 वाले बच्चों को समझ में आया कहाँ गड़बड़ हो रही है? ठीक है, किसी बच्चे ने हैंड रेस किया है क्या? तम की आवाज आई मेरे को। मैम कोई भी डाउट होता है? हाँ बेटा। मैम ये जो आई कैप जे कैप और के कैप निकालते हैं ये हमारा क्या होता है? मतलब आई मीन मैम ये डायरेक्शन होते हैं, मैग्नीट्यूड इनमें से कुछ होते हैं? बेटा आई कैप जे कैप और के कैप जो होते हैं वो आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग ये क्या कॉम्पोनेंट है, है ना। तो आई कैप जे कैप और के कैप जो है वो आपके ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि आई कैप मतलब 11 स्टेप्स चलो एक्स की तरफ, जे कैप मतलब 5 स्टेप्स चलो वाई की तरफ, और के कैप मतलब -7 स्टेप्स चलो के की तरफ, तब आपका ये वेक्टर आ जाएगा। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। चले अगला क्वेश्चन एक और है, वो आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ। सब बच्चे यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर भी आपको सेम चीज करनी है, बिल्कुल डिटो सेम है। इसका मैं आंसर भी आप लोगों को बता रही हूँ। इसका आंसर जो मेरा आया है, द आंसर केम एज 33/2 स्क्वायर यूनिट्स। कर लेंगे सब बच्चे इसको कैलकुलेट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये इसका आंसर आ रहा है। इसकी हिंट यही है, हिंट भी मैं इसकी दे देती हूँ। हिंट यही है इसकी कि जो एरिया होता है ट्राइंगल का इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी। कर लेंगे कैलकुलेट सब लोग इसको। हो जाएगा? ठीक है, हो जाएगा। तो वी विल सॉल्व दिस एज होमवर्क। चलो अब आ जाए वेक्टर से बाहर। डिफरेंशिएशन निकल गया, यही आ रहा है 33/2। यार बड़े क्विक हो यार, वेरी गुड। अच्छा ये आई और जेई तो है, तो कर ही लो भाई इसको फिर। तो ये होमवर्क क्या करोगे? ये तो आई और जे, इसका तो डिटरमिनेंट भी छोटा बनेगा। अच्छा इसकी भी ट्रिक बताओ। बस के कैप में आएगा, बस के कैप। हाँ इसका तो आई कैप और जे कैप ही है मामला, इसका तो डिटरमिनेंट छोटा सा बनेगा। इसमें बन जाएगा आपका ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ऐसा कुछ बनता है ना शायद। हाँ
इस केस में आप लिखोगे आई कैप जे कैप और के कैप, यहाँ पे भी लिख लो, के कैप में जीरो जीरो डाल दो, यहाँ पे आ जाएगा थ्री फोर माइनस थ्री और सेवन, और इधर आ जाएगा जीरो जीरो। तो अब ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, बताओ इसका क्या आ रहा है आंसर? 33 डिवाइडेड बाय 2 मैग्नीट्यूड। हाँ, इसका आई कैप वाला कंपोनेंट भी जीरो हो जाएगा, जे कैप वाला भी जीरो हो जाएगा, खाली के कैप बचेगा इसमें बेटा, है ना। 73 इज़ 21 प्लस 12 21 33 के कैप आएगा, उस मतलब मैम डायरेक्शन के टर्म्स और मैग्नीट्यूड के टर्म्स में 33 के कैप। हाँ, तो फिर तो आंसर डायरेक्टली उतना ही आ गया ना मैग्नीट्यूड भी। यस मैम। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? तो सिंपल है, इसमें क्या होमवर्क देंगे, होमवर्क अलग देंगे, होमवर्क में थोड़ी मेहनत लगनी चाहिए ना यार बच्चों की। चले आप डिफरेंशिएशन करें थोड़ा सा नया कुछ। क्या बेटा? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। जो है ना ये जैसे हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट करते हैं ना वो। हाँ तो कर लो, अगर आप मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 33 का स्क्वायर। क्योंकि ट्राइंगल का जो एरिया होता है, आपको यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है इट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को? वेक्टर वाला पोर्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है, बाय बाय बोल दो वेक्टर को फिलहाल। yes, हमने सारी चीजें वेक्टर की समझ ली हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए एडिशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और ये मल्टीप्लिकेशन वाली चीजें, मतलब सारे टॉपिक्स। चलें आगे? यस मैम। चलो सब लोग रेडी हो ऐसे उसके लिए, डिफरेंशिएशन समझने के लिए। अब ऐसे 20-25 मिनट है मैम, बढ़िया से डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत समझ लेंगे। डिफरेंशिएशन मुझे वेक्टर से इजी लगता है, मतलब बहुत इजी लगता है रादर। चलो तो बेटा लेट अस गेट इनटू डिफरेंशिएशन। सबसे पहले सिंपल सिंपल चीजों से स्टार्ट करूंगी। लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट फाइनाइट डिफरेंसेस, जो अभी तक आप पढ़ते आए हो अपनी पूरी जिंदगी में। फाइनाइट डिफरेंसेस का क्या मतलब है कि भाई जैसे अगर मेरे पास कोई क्वांटिटी y2 है, कोई क्वांटिटी y1 है, तो आप कुछ ऐसा लिखते हो ना, डेल्टा y इज इक्वल टू y2 माइनस y1, लिखते हैं नहीं लिखते? यस मैम, है ना। तो ये जो फाइनाइट डिफरेंसेस होते हैं, यू रिप्रेजेंट देम बाय, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा वाली जो नोटेशन है, इससे आप इनको रिप्रेजेंट करते हो। सपोज ये मैं आपको 100 दे रही हूँ, ये भी 100 दे रही हूँ, ये भी 100 दे रही हूँ। सपोज यहाँ पे वाई की वैल्यू पहले केस में है 50, सेकेंड केस में है 99 और ये लास्ट केस में है 99.9। ये इसकी डिफरेंस की क्या वैल्यू रहेगी बेटा? फर्स्ट केस में कितना हो जाएगा? 50 0.1। तो ये तो कुछ ऐसे बहुत मुश्किल चीज नहीं पूछी ना मैंने। अब क्या है, जब हम यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जब हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, तब अब हम बात करेंगे इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस की। इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस के बारे में अब हम बात करेंगे। तो इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस का सबसे पहले मतलब क्या है वो ये समझो। आप देख सकते हो कि जैसे इन दोनों के बीच का गैप कम हो रहा है, वैसे वैसे ये जो डिफरेंस है ये छोटा हुए जा रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि y2 की वैल्यू आपकी 100 है और y1 की जो वैल्यू है वो है आपकी 99.999999, इनफाइनिटी तक 9 चल रहा है, समझ रहे हो? तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो बहुत ही ज्यादा कम नहीं होगा, है ना। तो ये जो इनफाइनाइटली स्मॉल है ना, ये जो इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस है, इसको हम अब डेल्टा वाई की जगह लिखते हैं डी वाई। और ये जो डी वाई है, इसकी वैल्यू आप देख सकते हो बहुत ही छोटी होगी, 0.00 इनफिनिटी तक 0 और फिर लास्ट में फाइनली 1, ये वैल्यू होगी इस छोटे से डी वाई। ठीक है? Yes, ma'am, got it. ठीक है, अब अगर हम डेरिवेटिव की बात करते हैं, डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव की बात कर लो या डिफरेंशिएशन की बात कर लो, तो सपोज y है, कुछ भी है, x square है या फिर x cube है या फिर sin x है, y किसी ना किसी तरह से x पे कुछ डिपेंड कर रहा है। y is equal to x square है मेरे पास, y is equal to, क्या बेटा? मैम फिर ये तो फंक्शन हो गया ना।
वही हो गया, फंक्शन ही लिखूंगी अभी इसको, y is equal to ln x. अच्छा, आप लोगों ने फंक्शंस पढ़ लिया है क्या मैथ्स में? नो मैम. नो मैम. अच्छा, अभी नहीं पढ़ा, वरना मैं सोच रही थी मेरी मेहनत कम हो जाती, मुझे फंक्शंस भी पढ़ाना है आप लोगों को. ठीक है, तो बेसिकली y आपका x पे डिपेंड कर रहा है, तो हम बोल देते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x. मतलब y आपका किसी ना किसी तरह से x पे डिपेंड कर रहा है, x की हर वैल्यू के लिए y की कुछ ना कुछ वैल्यू है. ठीक है, यूनिक वैल्यू है y की x की किसी वैल्यू के लिए. सो y इज अ फंक्शन ऑफ x, मैं बोल रही हूँ. तो यहाँ पर डिफरेंसिएशन का क्या मतलब होता है, ये चीज समझो. डिफरेंसिएशन का ये मतलब होता है, डिफरेंसिएशन हो गया या डेरिवेटिव हो गया, डिफरेंसिएशन इसको आप डिनोट करते हो f प्राइम x से. ठीक है, कि मतलब इसको एक बार आपने डिफरेंशिएट कर दिया, एंड दिस इज इक्वल टू dy by dx. सो दिस बेसिकली मींस कि y के छोटे से चेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग x में छोटा सा क्या चेंज हो रहा है. ठीक है, मतलब एक तरीके से dy by dx is y x के टर्म्स में किस तरीके से चेंज हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुत इन्फिनिटली स्मॉल चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज वाई यहाँ पर हम डेरिवेटिव यूज करते हैं. ये वाला समझ नहीं आया. सो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जहां पे dx भी एक बहुत छोटा चेंज है ना. अगर आप छोटा सा चेंज dx में करोगे तो वो छोटा सा चेंज dy के अंदर भी तो होगा, क्योंकि y आपका x पे डिपेंड कर रहा है. यस मैम. है ना, अगर मैं x बोल रही हूँ कि x इज इक्वल टू 1 x1 और x2 इज इक्वल टू 1.000000 सो ऑन इनफिनिटी तक 01, तो इसका जो स्क्वायर होगा, अगर y is equal to x square है, तो इसके corresponding y की भी कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पर भी y की कुछ वैल्यू होगी. दोनों छोटे छोटे चेंजेस ही तो है ना. Yes, तो differentiation का मतलब है कि जो चेंज इन y है, यू आर डिवाइडिंग दैट बाय चेंज इन x. इज इट ओके नाउ? इज इट ओके? ठीक है. अब इसको काफी और तरीकों से लिखते हैं. कभी कभी इसको लिख देते हैं y प्राइम, मतलब y को आपने x के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दिया. कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं df by dx, क्योंकि आप एक तरीके से फंक्शन को कर रहे हो डिफरेंशिएट. इट इज ऑल्सो रिटन एज डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x. तो ये सारी मतलब इसके सेम ही है, कुछ मतलब में इसमें दिक्कत नहीं है. या फिर ये f प्राइम x भी इसको लिख सकते हैं. अच्छा, इसको आप डैश बोलते हो, प्राइम बोलते हो? डैश बोलते हैं. डैश जो होता है ना, आइडियली शायद ये होता है. ठीक है, क्या बेटा? सिंगल कॉलम होता है ना ये? हाँ, ये सिंगल कॉलम होता है, तो इसको मैं प्राइम बोलने वाली हूँ आपसे. तो अगर मैं प्राइम बोलूँ तो समझ जाना कि भाई इसकी बात हो रही है. मैंने भी प्राइम सबसे पहले अपने कॉलेज में सुना था, और तब से वो थोड़ी आदत लग गई है. तो अगर प्राइम बोलूँ तो समझ जाना कि ये है. ओके मैम. ठीक है, अभी यहाँ तक समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया कि छोटी सी किसी चीज को और एक छोटी चीज से डिवाइड कर दिया है, वो होता है डिफरेंशिएशन. मतलब अगर मैं बहुत छोटा सा चेंज कंसिडर कर रही हूँ एक्स के अंदर, तो मेरा फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है, आई एम ट्राइंग टू डिटरमिन दैट. दैट इज व्हाट डिफरेंशिएशन मींस. सो dy by dx है डिफरेंशिएशन का मतलब. समझ में आया सबको? यस मैम. ठीक है, अब इसका थोड़ा सा आपको ना ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाती हूँ. ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि सपोज अगर मेरे पास कोई भी कोई फंक्शन है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा बन रहा है, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है. तो अगर कोई भी फंक्शन प्लॉट करते हैं, कुछ इस तरीके का ग्राफ वगैरह बना देते हैं ना. यस मैम. है ना, ये ऐसा था, कुछ ग्राफ बन जाता है. सीकेंट का मतलब क्या होता है पता है सबको? सेकेंट. यस मैम. सेकेंट तो सेक थीटा हो गया ना. सीकेंट ऐसा कुछ होता है ना कि एक लाइन अगर दो पॉइंट्स को कट कर रही हो. Yes, ma'am, yes, ma'am. है ना? तो let me say that this point is P, let me say that this point is Q. अगर मुझे इसका स्लोप फाइंड करना है तो मैं कर सकती हूँ? Yes, ma'am. है ना, ये आपका अगर y plus delta y है, ये y है. This is x and this is x plus delta x. So now if I want to find out the change, कि y कैसे change हो रहा है x के साथ में, तो वो तो बहुत easily कर सकते हैं ना. कर सकते हो? एवरेज रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हो? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू कैन फाइंड दैट? यस मैम. नो मैम. नो मैम.
नहीं कर सकते। अच्छा मैं ये बोल रही हूँ कि अगर यहाँ पर आपका पहले कुछ नंबर था वाई, अब वो डेल्टा वाई से मैंने ऐड कर दिया, पहले यहाँ पर एक्स था उसमें मैंने डेल्टा एक्स ऐड कर दिया, तो वाई किस तरीके से चेंज हो रहा है एक्स के साथ, दैट विल डायरेक्टली बी इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ना। यस मैम हाँ है ना, अभी समझ में आया, ऐसे तो करते हो। स्लोप निकालने का यही तो मतलब होता है कि वाई में से दोनों को माइनस कर दिया, एक्स में से माइनस कर दो, वो चेंज निकल गया दोनों का, है ना। और ज्योमेट्रिकली ये दिस इज इक्वल टू द स्लोप। यस मैम ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली में आप क्या देख सकते हो कि ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। इस चीज से सब लोग अग्री करेंगे ठीक है। अब आ जाओ डिफरेंशिएशन पे, ये तो आपका मैंने जनरल बताया है, अब डिफरेंशिएशन पे आ जाओ। अब ये जो मैंने डायग्राम इमेजिन करा, डिफरेंशिएशन में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो डेल्टा एक्स वाली चीज है हमारी, इन डिफरेंशिएशन वी सॉ दैट डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, यही देखा था हमने। यस मैम नो मैम, डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल देखा था, नहीं देखा था। यस मैम ठीक है। तो एक तरीके से मैं क्या बोल सकती हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स यही है सेम चीज, डेल्टा वाई अपॉन डेल एक्स ही है। हम यही देख रहे हैं कि जो फंक्शन है मेरा एक्स प्लस डेल्टा एक्स वैल्यू पे माइनस फंक्शन एट एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, यही तो निकाल रहे हैं। बस अब ये जो डेल्टा एक्स है ये बहुत छोटा हो गया, तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा लिख देते हैं कि ये जो डेल्टा एक्स है इट इज टेंडिंग टू जीरो, है ना। यहाँ पर ये जो वाई प्लस डेल्टा वाई है, वाई प्लस डेल्टा वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे ये वाई की कितनी वैल्यू है, वाई प्लस डेल्टा वाई, एंड वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये चीज लिख सकती हूँ ना मैं, क्या बेटा स्क्रीन पॉज हो गई क्या अभी, इज इट विजिबल? ठीक है, मैंने क्या बोला कि मेरा वाई किस तरीके से चेंज हो रहा है वो मैं देख सकती हूँ ना यहाँ पर, कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मतलब एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे वाई की क्या वैल्यू थी, माइनस एक्स पे वाई की क्या वैल्यू थी, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, प्रोवाइडेड कि ये जो डेल्टा एक्स वाली क्वांटिटी है ये बहुत छोटी है। ये चीज समझ में आई मामे? थोड़ा ना कम समझ में आ रहा है, थोड़ा कम समझ में आ रहा है। ये समझ में आया कि ये इसका स्लोप है? मैम स्लोप वाला पोर्शन समझ आ गया, स्लोप वाला पोर्शन समझ में आ गया। तो स्लोप वाले पोर्शन का क्या मतलब है, हमने निकाला क्या है? व्हाट आई हैव फाउंड आउट इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। इसका मतलब क्या है कि हमने बोला कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे वाई की क्या वैल्यू है, वाई प्लस डेल्टा वाई वैल्यू है, उसमें से माइनस कर दो कि एक्स पे वाई की क्या वैल्यू है, तो हमारे पास न्यूमरेटर आ जाएगा ना, यही तो हमारा स्लोप होता है। यस मैम। तो अब डिफरेंशिएशन में तो मैंने खाली यही चीज चेंज करी है कि डिफरेंशिएशन में बस हमने ये लिमिट पुट कर दी कि यही सेम चीज है, बस यहाँ पर जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। अभी समझ में आया बेटा? यस मैम नो मैम, बच्चे ऐसे बिल्कुल शांत हो चुके हैं हमारे। मैम मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सर पे ऐसे बाउंसर जा रही है, स्लोप जा रही है, स्लोप जा रही है, स्लोप भी नहीं आया मैम, और मैम पिछली स्लाइड से रिलेट नहीं हो पा रहा मैम, स्लाइड से रिलेट नहीं हो पा रहा। चलो यहाँ पे देखते हैं, फिर से एक बार समझाती हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है। ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है, ऑलराइट। सपोज हमारे पास कुछ भी ऐसे रैंडम एक डायग्राम है, ठीक है बेटा। ये जो वैल्यू है ये मुझे x गिवन है, सपोज ये किसका स्लोप बना है, इसमें ये किस चीज का स्लोप होता है किसी को पता है? मैं लिख देती हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्लोप है ये, ठीक है। एक्स स्क्वायर तो नहीं होता ना ऐसा, एक्स स्क्वायर ऐसा होता, यही होता है, ऐसे ही होता है, जीरो से स्टार्ट होता है बस। वो सपोज ये वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्लोप है, अगर मैं बोलूं आपको कि दिस इज इक्वल टू माय वैल्यू वन, तो आप ये वाली कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कैसे निकालते हो? मैम वन, इफ आई एम सेइंग दैट एक्स की वैल्यू इज वन, आप बोलोगे कि वाई की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू वन का स्क्वायर,
इट इज इक्वल टू वन, ठीक है, क्योंकि यहां पर एक तरीके से y ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर हो गया, y आपका एक फंक्शन है ना, x का x पे डिपेंड कर रहा है। वैसे अगर मैं आपको बोलूं कि y ऑफ 2 की वैल्यू बताओ तो कैसे बताओगे? मैम 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, है ना। वैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि y ऑफ 3 की वैल्यू बताओ तो 3 का स्क्वायर कर दोगे? यस मैम, ठीक है। तो एक तरीके से मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि जो भी आप x की वैल्यू पुट इन कर रहे हो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है? यस मैम, है ना। तो लेट मी से कि इस x की वैल्यू पे y की वैल्यू भी y के बराबर है, ठीक है। मतलब ये जो फंक्शन है मेरा x पे उसकी वैल्यू इज इक्वल टू y, ये चीज पल्ले पड़ी? यस मैम, क्लियर हो गई है, ठीक है। वैसे अगर मैं x की कोई भी अब रैंडम वैल्यू ले लूं, कुछ टाइम बाद मैंने x की एक रैंडम वैल्यू ले ली है जो मैंने बोला इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x, और यहां पर मैंने देखा कि y की वैल्यू आ रही है y प्लस डेल्टा y, तो अब मैं ये लिख सकती हूँ कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x विल बी इक्वल टू y प्लस डेल्टा y। जब मैं ये जो भी फंक्शन है मेरे पास जिसका ये कर्व है उसके अंदर x वैल्यू डाल रही हूँ तो मेरे पास y वैल्यू आ रही है ना, आंसर मेरे पास y आ रहा है, और जब उसके अंदर मैं x प्लस डेल्टा x वैल्यू डाल रही हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y। अभी समझ में आई ये चीज? पक्का? यस मैम, ठीक है। तो अब मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ कि ये दोनों वैल्यूज के बीच में चेंज कितना है? अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये दोनों जो वैल्यूज है ये चेंज कैसे हो रही है, हाउ इज y चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हाउ इज y चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो भाई वो कैसे कैलकुलेट करते हो कि कोई क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है? मैम y के अंदर जो चेंज है, मतलब ये f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, यही तो मेरा y के अंदर चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइडेड बाय जो भी चेंज x के अंदर है, x प्लस डेल्टा x माइनस डेल्टा माइनस x, दिस इज माय चेंज इन x। हाँ बेटा। मैम बहुत कम समझ में आया डिफरेंशिएशन। अभी यहां तक नहीं समझ में आया क्या? मैम बिल्कुल थोड़ा सा। क्या समझ में आया चलो ये बताओ, फिर मैं बताऊंगी कि उतना काफी है या नहीं है। जैसे कि मतलब हमारा जो x की वैल्यू है हम पे तो y के अलोंग हमारी वैल्यू निकलेगी, और जो हमारा x प्लस डेल्टा x होता है वो हमारा इक्वल रहेगा, उसकी वैल्यू आएगी y प्लस डेल्टा y के। और मैम उनके बीच का जो डिफरेंस है मतलब जो चेंज हो रहा है बस वो वैल्यू है। किसी चीज का चेंज कैसे निकालते हो आप? अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई चीज चेंज कैसे हो रही है तो कैसे बताओगे? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। और अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी के रिस्पेक्ट में बताओ तो कैसे बताओगे? जो आपके पास ऊपर वाली वैल्यू आई थी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय दैट, उसको डिवाइड कर दोगे जो दूसरे वाली चीज की वैल्यू है। तो वही तो मैंने यहाँ पे किया है ना बच्चा, आपने बिल्कुल सही बोला कि ये मेरी एक्स वाली जो वैल्यू है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास कुछ वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। और ये मेरे पास एनी रैंडम वैल्यू है, सपोज ये नंबर 2 है, अब जब x की वैल्यू 2 पुट करी तो y की वैल्यू 4 आ गई मेरे पास, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 और 2 के बीच में चेंज कैसे हो रहा है तो आप क्या बोलोगे? y at 2 minus y at 1 divided by 2 minus 1, यही तो बोलोगे? बोलोगे नहीं बोलोगे? Yes, ma'am. तो वही तो मैंने यहाँ पे कर दिया ना बेटा, वही तो सेम चीज मैंने यहाँ पे करी है कि x प्लस डेल्टा x पे जो y की वैल्यू आई है उसमें से अगर मैं x वाली वैल्यू को माइनस कर दूं सो दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन y, और यहाँ पर दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन x, तो ये आ तो गया मेरा स्लोप के बराबर। अभी थोड़ा बहुत समझ में आया कि क्या हुआ? यस मैम आ रहा है। आया एग्जांपल से समझ में आया पक्का? यस मैम थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अब इसके बाद मैंने क्या बोला कि डिफरेंशिएशन अगर इतना समझ में आ गया तो डिफरेंशिएशन भी आ जाएगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये समझ में आया तो बताओ, अगर नहीं आया तो फिर रहने दो, कोई नहीं मैं दूसरे तरीके से आपको डिफरेंशिएशन खाली मैथ्स बता दूंगी। फिर ये खाली इसका मतलब है कि मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी तक हमने खाली ये देखा कि हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं इस कर्व का किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में, ये चीज समझ में आई कि हमने इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लिया
तो हमारे पास पता चल जाएगा कि इस कर्व का इन दोनों पॉइंट के बीच में स्लोप कितना है. इज दिस क्लियर? यस मैम. ठीक है. नाउ आई एम सेइंग दैट सपोज दिस डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल. अब हम ये जो डेल्टा एक्स है ना, इसकी वैल्यू छोटी करे जा रहे हैं. अगर मैं इस इंटरवल की वैल्यू छोटी कर दूं, सपोज मैं इतनी कर दूं इसकी वैल्यू, तो मेरे पास लाइन कैसी आएगी? कुछ इस तरीके से लाइन आएगी. दिख रही है ये लाइन सबको? यस मैम. वैसे अगर मैं है ना, ये वाली चीज समझ में आई कि हाँ, अगर मैम लाइन छोटी कर दूंगी तो ये दो लाइनों से ज्वाइन हो जाएगा. अगर ये वाली चीज मैं और छोटी कर दूं तो क्या होगा? इस तरीके की लाइन बन जाएगी कुछ, है ना. और अगर अब मैं x की वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी कर दूं तो होगा क्या? इमेजिन कर सकते हो? सिंगल पॉइंट हो जाएगा मैम. सिंगल पॉइंट हो जाएगा बेटा. वो तो बिल्कुल सही बोला आपने. तो उस सिंगल पॉइंट पे क्या होगा? अगर मैंने x की वैल्यू इतनी छोटी कर दी कि वो इस पॉइंट के बराबर ही आ गई, तो जो मेरी ये व्हाइट वाली लाइन बनेगी ना, दैट विल कम आउट टू बी दिस टेंजेंट टू दिस कर्व. तो ये होती है आपकी डिफरेंशिएशन. बस हमें इतना ही समझना है. ठीक है, ये जो डिफरेंशिएशन है वो ये जो टेंजेंट है ना, इसका स्लोप बन जाती है. हम जब यूजुअली अगर डिफरेंशिएशन आप नहीं करते तो आप पूरे के पूरे कर्व की बात कर रहे हो कि इतने बड़े कर्व में क्या हो रहा है. डिफरेंशिएशन में आप क्या पूछ रहे हो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है. अभी समझ में आया? बस इतना ही समझना है हमें. ये सारा डेटा भूल जाओ चाहे. यस मैम. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया? डिफरेंशिएशन का बड़ा सिंपल मतलब हो गया कि अगर आप किसी पॉइंट पे पूछ रहे हो कि dy by dx क्या है, तो ये जो dy by dx है, it is equal to slope of tangent at a point. बस इतना ही समझना. बस that is it. ठीक है, इतना समझ में आ गया? Yes ma'am. अभी सिंपल हो गया. अब वो भूल जाओ सारा डेटा. मैंने खाली बोला कि हमारे पास एक कर्व है. कर्व में दो पॉइंट के बीच में आप स्लोप निकाल सकते हो y2 minus y1 upon x2 minus x1 करके, है ना. अगर मैंने वो x2 minus x1 कम कर दिया और खाली इतने छोटे से पे ले आई कि वो एक पॉइंट ही बन गया, तो उस पॉइंट पे अब आपकी टेंजेंट बन जाएगी. उस टेंजेंट का स्लोप आपका डिफरेंशिएशन होता है. ठीक है, इतना समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. अब बेटा डिफरेंशिएशन में खाली ये फॉर्मुलाज होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. दिस इज ऑल यू नीड. अभी मैंने बोला कि अगर वो समझ नहीं आया तो अब मैं सीधा मैथ्स पे आ जाऊं कि फिर हमें समझने की जरूरत ही नहीं है. अगर आपको ये फॉर्मूलास पता हैं तो आप किसी भी चीज की डिफरेंशिएशन कर सकते हो. कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं कि y इज इक्वल टू x, तो इसकी डिफरेंशिएशन बताओ. हम वन. कैसे बताया आपने? वन अपॉन दिस इज इक्वल टू x रेस टू वन, है ना. अब यहां पे देखो, x रेस टू n की डिफरेंशिएशन क्या है? जो पावर है उसको बाहर लिख दो और x की पावर n माइनस वन कर दो, मतलब 1 इंटू x रेस टू 0, तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1. ये करना है हमें डिफरेंशिएशन में. मैम एक बार पिछले वाली वो स्लाइड दिखा दो, थोड़ा नेट इशू हो गया था. हाँ देख लो बच्चा, मैंने बोला कि जो डिफरेंशिएशन होती है वो सिंपली स्लोप होती है किसी भी कर्व में. अगर आपने कोई भी कर्व ड्रॉ किया है, कुछ भी रैंडम कर्व अगर हमने ड्रॉ कर दिया, ऐसा भी कर दिया, और मैं पूछूं कि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है, तो यहां पर अब इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप आपको मिलेगा डिफरेंशिएशन से. इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू dy by dx. बस इतना ही समझना है हमें डिफरेंशिएशन. ओके मैम, आ गया. ठीक है, पहले हम लोग क्या बोल रहे थे कि हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं जो बहुत दूर है एक दूसरे से, तो उनके बीच में ऐसा हो रहा था, दिस वॉज डेल्टा वाई अपॉन डेल एक्स. अब मैंने बोल दिया कि x वाला जो चीज है, जो डिफरेंस है, वो इतना छोटा हो गया कि वो एक पॉइंट ही बन गया, तो उस पे जो लाइन बन रही है, टेंजेंट बन रही है, उसका स्लोप हमें डिफरेंशिएशन से मिलता है. ठीक है? Yes, ma'am. अब ये वाली चीज समझ में आई मैंने क्या किया? ये सारे रूल्स नोट डाउन कर लो सबसे पहले, ये 9 के 9 हमें जरूरत पड़ेगी. ठीक है, यहां से मुझे बताना y इज इक्वल टू, अगर मेरे पास x स्क्वायर है तो उसकी डिफरेंशिएशन कितनी होगी? 2x1 मतलब मैम 2 x की पावर, है ना, 2 बाहर लिख दो, x की पावर 2 माइनस 1 मतलब 2x. इस तरीके से निकाल लोगे यार बाकी सबकी? यस मैम.
किसी की भी वैल्यू की पूछूंगी निकाल लोगे, है ना। अगर मैं आपसे एक और चीज पूछूं, अगर मेरा वाई जो है वो एक कांस्टेंट है, सपोज मैं बोल दूं कि वाई इज इक्वल टू 8, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? जीरो। तो 8 का मतलब है कि इट इज बेसिकली इक्वल टू एक्स रेस टू जीरो के इक्वल है ये। एक्स की पावर जीरो में अगर हम जीरो को बाहर ले लेंगे तो इसकी वैल्यू तो जीरो आ जाएगी ना। तो डिफरेंशिएशन किसी भी कॉन्स्टेंट की अगर करोगे तो आंसर आपके पास जीरो ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बस ये जो 9 के 9 रूल्स हैं हमें ये काम में आएंगे। अब हमें खाली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस में अब आगे आगे क्या आ जाएगा, सपोज मैं एक्स पे से साइन एक्स को डिवाइड कर दूं तब मेरी डिफरेंशिएशन कैसी हो सकती है, सपोज मैं एक्स और साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर दूं तब मैं डिफरेंशिएशन में क्या करूंगी, ठीक है। अब इसके बाद खाली मैथ्स है हमारी, क्लियर है बच्चों? थोड़े से क्वेश्चन और करवा दूं, बताओ इन सब की करें डिफरेंशिएशन? नो मैम, इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में ना यहीं से अपन शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये वाली स्लाइड सबसे पहले हम देखेंगे और फिर इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हमें डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आ गया, अब इसके बाद हमें खाली मैथ्स करनी है। मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा सकती हूँ, पहले ये क्वेश्चंस करवा दूंगी, ठीक है। उसके बाद अगर दो चीजों को हमने ऐड कर दिया तब मैं डिफरेंशिएशन करवाएंगे, वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर दिया तब डिफरेंशिएशन करवाएंगे, मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बेटा? फिर से बताओ। हाँ, आप ट्राई कर लो इनको घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली जो चीज है ना, ये टेबल सब लोग ट्राई करो कि इसके अंदर जो फंक्शंस है वो याद हो जाए। याद कैसे करोगे कि साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस एक्स आता है, कॉस एक्स को करते हैं तो माइनस साइन एक्स आता है, टैन को करते हैं तो सीकेंट स्क्वायर एक्स आता है। पावर रूल में अगर एक्स की कुछ भी पावर हो तो पावर को बाहर लिख दो, एक्स की पावर में से 1 माइनस कर दिया। इस तरीके से ये जो ये 9 है, ये 9 में से आपको एटलीस्ट ये वाले याद होने चाहिए। मैं मार्क भी कर देती हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये बाकी सीकेंट टैन वगैरह वाले इतने काम नहीं आते, बट ये वाले ज्यादा काम आते हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा हम याद करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम अगली क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन के। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, जिसको अब जैसे इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, अगर मैं आपको बोलूं कि 2x को इंटीग्रेट कर दोगे तो आप बोलोगे कि x स्क्वायर आ जाएगा आंसर, बस ये है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। थोड़ी फील आई नहीं आई? यस मैम आई। आई पक्का? मैथ्स आई। हाँ थोड़ी थोड़ी फील तो आई ना। चलो ठीक है बच्चों, तो इतना ही करते हैं फिर आज की क्लास में।